सुधा और उसकी माँ ट्रेन से मदुरई से चेन्नई जा रही हैं। उनकी यह यात्रा कैसी रही, सुधा ने ट्रेन यात्रा के दौरान क्या क्या नया सीखा अपनी माँ से, आइए सुनते हैं इस एपिसोड में। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान, आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। मुझे नहीं पता क्यों मैं कितनी भी समय से पहले स्टेशन पहुंचने की योजना बना लूं, फिर भी हम हमेशा ट्रेन आने से कुछ समय पहले ही स्टेशन पर पहुंचते हैं। मैं हमेशा स्टेशन पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना चाहती हूं। एकदम आखिरी समय पर पहुंचने से मुझे तनाव हो जाता है सुधा, एक अजीब सा स्ट्रेस फील होता है जिसको संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई बात नहीं माँ, हम 10 मिनट पहले पहुंचे थे और मेरे हिसाब से तो ये भी ठीक है। पर फिर भी सुधा, तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। किसी भी तरह का तनाव हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। वो तो सही कहा आपने माँ, लेकिन अभी आप थोड़ा रिलैक्स करो और मुझे क्रिसमस की छुट्टियों के लिए चेन्नई ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समुद्र तट पर खेलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। सुधा सुधा, सावधान रहो, ध्यान से प्लेटफॉर्म के निकट मत जाओ। अच्छा ठीक है माँ, आप मुझे ऐसे टोको मत, मुझे पता है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण मदुरई स्टेशन से 5 बजे जाने वाली ट्रेन अब 5:30 बजे जाएगी। इस असुविधा के लिए खेद है। माँ माँ इधर आइए, देखिए रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है। मुझे लगता है कि उद्घोषक इसी तकनीकी खराबी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन टूटे हुए रेल ट्रैक को 30 मिनट में कैसे ठीक किया जाएगा, यह मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सुधा ऐसा नहीं है, यह निश्चित रूप से वह तकनीकी खराबी नहीं है जिसके बारे में उद्घोषक बात कर रहे थे। बात को समझो, रेलवे ट्रैक स्टील से बना होता है और मौसम में बदलाव की वजह से इस पर भी असर होता है। गर्मी के मौसम के दौरान स्टील ट्रैक फैल जाता है और उसमें गैप आ जाता है जो तुम देख रही हो, और ये भर जाएगा। सर्दियों के मौसम के दौरान स्टील ट्रैक सिकुड़ जाएगा और गैप वापस आ जाएगा, जैसे कि तुम अभी देख रही हो। वाह, लेकिन क्या इस अंतर से ट्रेन की रफ्तार पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं सुधा, क्योंकि गैप इतना छोटा है कि ट्रेन के चलते समय इससे कोई परेशानी नहीं होती। वहाँ बिजली की लाइनें देखो, ये एल्युमिनियम से बनी है। बताओ ये कैसे बनी है? ये टाइट है माँ। सही कहा सुधा, लेकिन गर्मियों में बिजली की लाइनें ढीली हो जाती है। तुम्हें पता है क्यों? गर्मी के कारण बिजली की लाइनें फैल जाती है। हाँ सुधा, बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने, तुम अच्छी तरह समझ गई हो अब। हाँ तो बेटी किसकी हूँ मैं। एक और खास बात सुधा, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी धातुएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टील का एग्जाम्पल तो मैंने अभी तुम्हें दिया ही, रेलवे ट्रैक का। इसी तरह हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो कि मेटल की बनी होती है, धातु की बनी होती है, और हम उसको रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं, काम में आती हैं वो चीजें। ध्यान से सुनो, जैसे चाकू, कैची, घर में पड़े हुए बर्तन रसोई में, पेचकस, साइकिल, इसके अलावा जहाज जो पानी में चलता है, रेलवे की पटरी जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, इंजन हो गया, मोटर कार हो गई, और ये जो अस्त्र शस्त्र जो बनते हैं, इन सब में किसी न किसी प्रकार की धातु का इस्तेमाल होता है। ये जो माला गले में पहनी है ना, जो आभूषण की, आभूषणों में भी धातु का इस्तेमाल होता है। ओह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, अब मुझे समझ आ गया है। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट।
तो सुनना न भूलें। आप अपने दैनिक जीवन में धातुओं से बनी चीजों का उपयोग कहां कहां करते हैं? अपने जवाब हमारे WhatsApp नंबर 9813164542 पर भेज दें। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।